शादी आपकी अरेंज मैरिज थी या पसंद की थी? पसंद की भी थी और अरेंज मैरिज भी थी। यानी पसंद पहले किया और अरेंज बाद में करवाया गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं था। मैं इंग्लैंड गया था रिकॉर्डिंग करने के लिए। वो मेरे अब्बू की कज़न की बेटी, आप ये समझ लें हमारी फैमिली में से है। तो बस जो होता है कि जैसा अरेंज आप कहते हैं 15-16 दिन की कहानी है, तो उसी 15-16 दिन में मैं पसंद भी कर ली, उसी 15-16 दिन में अरेंज भी हो गया, एंगेजमेंट भी हो गई, फिर 6 महीने बाद शादी हो गई। तो आप इसको एक ऐसी अरेंज मैरिज जिसमें सब राजी हैं, जिसमें पसंद शामिल, हाँ जिसमें पसंद शामिल है। बिल्कुल। खुद भी सियासत में आने का कभी इरादा बनेगा? जो पैसा सियासत में आने के लिए चाहिए बट ऐसा वो मेरे पास नहीं है। माशाल्लाह जितना खूबसूरत आपने ये घर डिज़ाइन करवाया है, तो इसके लिए ज़ाहिर है बड़ी एस्थेटिक सेंस चाहिए थी। कोई ख़ास इस शोबे का कोई नॉलेज था, क्या शौक़ था, किस तरीके से ये इतना खूबसूरत घर आपने डिज़ाइन किया? देखिए, नॉलेज तो मुझे इसका हरगिज़ नहीं है, लेकिन एक शऊर की बात है। और आपको पता है कि शोबिज़ के अंदर हम सेट्स का और मुख्तलिफ़ लोकेशंस का जो है ना मुआयना और मौजना करते रहते हैं। तो ये घर जो है ये घर के अफराद की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया। कितना अरसा लगा इस घर को बनाने में? तकरीबन 124 साल। 124 साल? हाँ जी। वो कैसे? 77 ईयर्स मेरे वालिद साहब के और बाकी मेरे, तो इतने साल लग गए हमें ये घर बनाने में। वाह, ये तो बड़ा अच्छा एरिया है ये, क्योंकि स्पोर्ट्स में बाकायदा मैच के लिए आपने शायकीन का भी बैठने का इंतज़ाम रखा है। हाँ जी, स्पोर्ट्स का जो है वो बहुत गहरा ताल्लुक है। टेबल टेनिस जो है वो हर क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट जो होगा, जहाँ से आप स्कूल में चाहे कैथीड्रल हो, सेंट एंथनी हो, डॉन बॉस्को हो, वहाँ पर टेबल टेनिस और बास्केटबॉल बहुत खेला जाता है। तो टेबल टेनिस से जो है वो बहुत लगाव है बचपन से। फिर हमने ये सामने ना एक स्पोर्ट्स वॉल बनाई है, इसमें दुनिया के तमाम जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं उनको हमने जगह दी है और जिनके साथ पाकिस्तान का ताल्लुक़ है। ख़ास तौर पे मैं हमेशा ये ज़ुबैर उर्फ झारा जो हमारे पहलवान थे, फिर वसीम अकरम साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, जहांगीर खान साहब हैं, जॉन शेर हैं, जॉन सीना हैं, उसके अलावा मेसी है, टाइगर वुड है, सामी-उल-हक़ है, फिर हमारे आमिर खान जो बॉक्सर हैं वो हैं, फिर ये सजाद साहब जो हमारे स्नूकर चैम्पियन थे वो हैं, फिर टेनिस के कुछ प्लेयर्स हैं, सेरेना विलियम्स हैं, तो रॉजर फेडरर साहब हैं। तो ये स्पोर्ट्स के साथ क्योंकि लगाव बहुत ज़्यादा है, तो ये उनको एक्नॉलेज करने के लिए अज़हर अली से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, जो टेस्ट क्रिकेटर अज़हर अली हैं। तो मैंने उसको ये कहा हुआ कि जब वो 10,000 टेस्ट रन कर लेगा तो फिर हम उसकी तस्वीर जो है यहाँ लगाएंगे। यानी यहाँ पे तस्वीर लगाने के लिए उसके सर्टन लेवल अचीव करना ज़रूरी बहुत। ये हर स्पोर्ट्समैन को हम यहाँ जगह नहीं देंगे। हाँ, यहाँ पे हम सिर्फ लेजेंड्स को जगह देंगे। यहाँ पे जो तस्वीर लगेगी वो भी मेरिट पे आएगी। बिल्कुल मेरिट पे आएगी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि यहाँ पे इमरान खान की तस्वीर नॉट एज अ प्राइम मिनिस्टर लगाई हुई है। बहुत 5-6 साल हो गए हैं, उस वक्त कोई कह नहीं सकता था कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो हमने इमरान खान की तस्वीर जो है एज अ स्पोर्ट्स मैन यहाँ पर लगाई है कि वो बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन थे और हैं, तो इसलिए उनको यहाँ जगह दी है। बतौर पॉलिटिशियन उन्हें आप कैसा देखते हैं? देखिए, पॉलिटिशियन अगर भट्टी साहब, अगर आप उनको देखें कि कहाँ से वो शुरू हुए और वो कहाँ तक पहुँचे, तो ये तो बहुत बड़ा सफ़र है और बहुत फिनोमिनल सफ़र है कि आपने उनको तब भी देखा होगा जब उनके जलसे बहुत छोटे थे और जब वो बुला बुला के कहते थे कि टिकट ले लो, कोई टिकट नहीं लेता था। फिर पूरे पाकिस्तान में आपने अपनी पार्टी फर्स्ट पार्टी इलेक्शन लड़ा और आप अपनी सीट भी ना जीत सके, सिफर आपका रिज़ल्ट। उसके बाद फिर आपने इलेक्शन लड़ा, 1 सीट आपको मिली। फिर भी आप जो एक जुस्तजू है खान साहब की, मैं उसका तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। स्ट्रगल है। अगर आप वो बिल्कुल सही कहते हैं कि वो बिलावल भुट्टो नहीं है। बिलावल भुट्टो ने क्या किया है? या मरीम नवाज साहिबा ने क्या किया, सिर्फ वो बड़े लीडर के बच्चे हैं या नवासे हैं तो उनको लीडरी मिल गई। हाँ, तो जो स्ट्रगल है ना वो इमरान खान साहब ने ही की है, जितने भी इस वक्त पॉलिटिशियन हैं, नवाज शरीफ साहब ने भी की होगी, लेकिन जो जेन्युइन स्ट्रगल है वो इमरान खान की है। आप धरने में भी शामिल हुए, आपने पीटीआई को सपोर्ट भी किया, तो आपका उस वक्त क्या जज्बा था, क्या सोच थी कि इस तरीके से अगर ये कल को हुकूमत में आ जाती है पीटीआई तो ये क्या क्या रिफॉर्म्स लेके आएंगे? क्या आपको अपनी वो उम्मीदें पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं? देखिए, जहाँ तक रिफॉर्म्स का ताल्लुक है कि हमने धरने में इमरान खान साहब का साथ दिया एक नज़रिए के बिना पर। देखिए, मैं पुराना लाहौरिया हूँ और मुझे कोई ना बताए कि मुस्लिम लीग, जो प्रेजेंट मुस्लिम लीग है, वो कैसे बनी और उसने क्या हुआ, ग्वालमंडी में क्या हुआ, बिरेन रोड पे क्या हुआ। 1985 में नवाज़ शरीफ साहब का जो पहला इलेक्शन था, जो उन्होंने ट्रैक्टर के इंतखाबी निशान पे वो इलेक्शन लड़ा, और जो पहले 15-20 लड़के थे जो पोस्टर लगाया करते थे उनमें से मैं भी शामिल था। सो मुझे कोई ये ना बताया कि ये बहुत कोई नज़रियाती चीज़ें हैं, ये मुफादात की सियासत है। यहाँ पे एक जो है ना सेंटर होता है और सब उसको खुश करने के लिए उसकी चापलूसी करते हैं, उसको यस सर करते हैं। तो इमरान खान ने उस स्टेटस को तोड़ने की बात की और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। ठीक है, हमने मुराद सईद को देखा, वो उनकी काविश का हिस्सा है। हमने और जो मिनिस्टर्स देखे जो केपीके ख़ास तौर पे आए हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, जो पंजाब के लोग हैं, ये भाई ये इनको कौन समझाए? वो केपीके वाले तो बहुत अच्छे हैं, परफॉर्म नहीं करते तो वोट नहीं देते। ये तो नस्ल दर नस्ल जो है मार भी खा रहे हैं और वोट भी उनको दे रहे हैं। ये दे नहीं रहे, इनसे वोट ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। ये जो आपका स्टेटस को है, ये पहले गुर्बत पैदा करता है, फिर उसको बरकरार रखता है, फिर क्योंकि एक गरीब आदमी को डरा धमका के ही आप उससे वोट ले सकते हैं। ये एक रिगिंग वो है जो आप इलेक्शन डे में करते हैं, एक रिगिंग वो है जो सारा साल आप उस गरीब आदमी के सर पे करते हैं कि मैं ही तेरा मसीहा हूँ, मैंने वोट पाएंगा तो बचेंगा, मैंने वोट नहीं पाएंगा तो थाने छत्तर भी पवाऊँगा, बाकी हर चीज़ करूँगा। और आप उस इलाके से आप इस चीज़ को बेहतर समझते हैं। इसको तोड़ने के लिए इमरान खान ने एक स्ट्रगल किए। बात आपकी सही है, आइडियलिज़म नहीं हासिल हो सका। आप कहेंगे कि जी बहुत से लोग आ गए, हाँ जी आ गए, लेकिन बात यह है कि किसी ने इस पे बात ख़त्म करके, हम सियासत पे बात ख़त्म कर लेते हैं, किसी ने नुसरत फतेह अली खान साहब से पूछा कि आपने न्यू जनरेशन को इतना आप कैसे कामयाब हो गए, आपने क्या किया? तो उन्होंने जवाब दिया, बड़े आदमी थे, कि मैंने आयत नहीं बदली, मैंने किरत बदली है। और कीचड़ को साफ़ करने के लिए थोड़ी देर के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है, तो आपके पोंछे जो हैं ना चाहते हुए भी गंदे होते हैं। इमरान खान को इस कीचड़ में वो उतरे हुए हैं, यहाँ पे उनसे गलतियाँ भी होंगी, वो भी इंसान हैं, पहले उन्होंने भी गलतियाँ की हैं, लेकिन इमरान खान की गलती जो है वो जानबूझ के नहीं होगी। इंसान कोशिश करता है, आप उसको वक्त दें, नहीं पूरा उतरेंगे तो सबसे पहले मैं खुद आवाज़ लगाऊँगा और मैं नहीं वोट दूँगा उनको।